हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 8 लिंक वर्ब्स और उसकी ये ब्लैंक इधर तक देखी थी। आज जो हम नया लेसन करने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 9 देयर एंड इट। क्या है देयर एंड इट? फर्स्ट सेंटेंस है, There is somebody in the room. There is somebody in the room. तो ये आया there. वहाँ कमरे में कोई है. There was a king. इधर भी there है. तो वहाँ एक king था. वहाँ एक king था. It is 3 o'clock now. अभी 3 o'clock हुआ है. It was Sunday. वह संडे था. It was Sunday. संडे था. It is rainy and cold. अब ये rainy and cold environment के बात कर रहे हैं और इधर दोनों क्या है? There. ये भी there. ये it. इट और ये भी इट. इट इज रेनी एंड कोल्ड. रेनी, रेनी मतलब बारिश वाला. रेनी अभी जो बारिश का मौसम है उसको बोलते हैं रेनी. कोल्ड यानी कि ठंडी. तो रेनी और कोल्ड है अभी. अभी का एनवायरनमेंट रेनी है और कोल्ड. अब ये जो मैंने सेंटेंस इन पढ़े हैं उसके बारे में इधर डिटेल में दिया है थोड़ा, तो देखें. इन द अबव सेंटेंसेस देयर एंड इट हैव नो मीनिंग ऑफ देयर ओन. तो ऊपर जो सेंटेंस लिखे हैं उसमें ये जो देयर और इट जो है उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है. जैसे हम केट यानी कि बिल्ली, वैसे देयर और इट का खुद का कोई मीनिंग नहीं है. दे आर यूज्ड मतलब इन दोनों का यूज होता है जस्ट टू बिगिन और इंट्रोड्यूस द सेंटेंस. इन दोनों का यूज होता है किसी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए या फिर किसी सेंटेंस की बिगिन यानी कि शुरुआत करने के लिए. कोई भी सेंटेंस को बिगिन करने के लिए यानी कि शुरू करने के लिए और सेंटेंस को या तो फिर इंट्रोडक्शन देने के लिए सेंटेंस को हम इंट्रोड्यूस कराना होता है तब भी ये देयर और इट दोनों का यूज होता है. ये याद रखना कि देयर और इट इन दोनों का खुद का कोई भी मीनिंग नहीं है, पर अगर किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराना होता है या तो फिर किसी सेंटेंस की हमको बिगनिंग करनी होती है, शुरुआत करनी होती है, तब हम ये दो वर्ड्स का यूज करते हैं. जनरली द वर्ब फॉर्म ऑफ बी. अब जो बी है उसके वर्ब फॉर्म है, बी के वर्ब फॉर्म है एम इज आर प्रेजेंट टेंस के, ना वॉज वेर पास्ट टेंस के, शेल बी विल बी फ्यूचर टेंस के. ये सारे क्या है? वर्ब है. किसके? बी. कम आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ड्स देयर एंड इट. और अब ये कह रहे हैं कि जब कम आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कौन से हैं? इंट्रोडक्टरी वर्ड्स वो हैं जो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं. सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? देयर एंड इट. देयर एंड इट जो है वो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन दोनों को इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कहा गया है. और जैसे ही ये वर्ड्स से हम शुरुआत करते हैं, इनके तुरंत बाद इसमें से कोई भी वर्ब आता है
The introductory it generally tells the time, the day or the weather. और उसमें जो it है वो हमको ज़्यादातर किसके बारे में कहता है, time के बारे में, day के बारे में या तो फिर weather के बारे में. अब इधर time के बारे में क्या कहा है, ये कि 3 o'clock. Day के बारे में क्या कहा है, संडे. और वेदर के बारे में क्या कहा है, रेनी एंड कोल्ड. ओके, तो यही है द सेंटेंस 3, 4 and 5 गिवन अबव. ये 3, 4, 5 उसमें इट उसके बारे में किसके बारे में कहा, इट किसके बारे में कहता है हमको, टाइम के बारे में, डे के बारे में और वेदर के बारे में. तो अब देखें उसकी एक्सरसाइज. इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स appropriately with there or it. ये जो blanks है उसमें या तो there आएगा या तो फिर it आएगा. अब it किस में आएगा, जो day होगा, फिर weather के बारे में होगा और time के बारे में होगा, उधर क्या आएगा, it. Okay, अब पहला देखें. Dash is a temple of Lord Shiva इन दिस लैंड. तो इस लैंड में वहाँ लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल है, इसलिए हम इधर लिखेंगे धैर. धैर इज अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इन दिस लैंड. सेकंड, डैश वॉज अ सनी डे. अब डे के बारे में वेदर बताया, सनी डे. ये सनी क्या होता है, वेदर. इधर हम लिखेंगे डे कैसा बताया है, सनी. तो वेदर के बारे में, अब वेदर के बारे में बताया तो हम क्या लिखेंगे, इट. तो इधर है इट वॉज अ सनी डे. थर्ड, डैश आर 50 चिल्ड्रन इन माय क्लास. अब जब भी प्लूरल वर्ब होगा, आर, वर, तो उधर देर ही हम लिखेंगे, देर आर 50 children in my class. फिर dash was the wedding day of his sister. Wedding day, अब day कहा है तो it लिखेंगे, it was the wedding day of his sister. Dash were, अब were है तो हम लिखेंगे there. मैंने कहा ना, जहाँ पे r होगा और वर्ब होगा उधर हम क्या लिखेंगे, देर. तो देर वेर, देर वर मैनी गेस्ट इन द हाउस. फिर है थैंक यू, डैश इज ऑल राइट. इट इज ऑल राइट. 6, डैश विल बी अ साइंस एग्जीबिशन इन अवर स्कूल नेक्स्ट वीक. तो उसके लिए हम इधर लिखेंगे धैर. धैर विल बी अ साइंस एग्जीबिशन इन अवर स्कूल नेक्स्ट वीक. डैश इज वेरी हॉट टूडे. इसमें डे के बारे में तो हम क्या लिखेंगे, इट. इट इज वेरी हॉट टुडे. 8, डैश वॉज द रिसेस टाइम. अब इधर टाइम कहा है ना, तो हम इधर क्या लिखेंगे, टाइम कहा है तो इट. इट वॉज द रिसेस टाइम. डैश वर वेरी फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. तो धैर वेर, वर के साथ क्या लिखेंगे, धैर. देर वर वेरी फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. 9, डैश इज वेरी लेट नाउ. क्या लिखेंगे, इट. इट इज वेरी लेट नाउ. इधर ऊपर भी था ना कुछ नाउ वाला, ये रहा इट इज 3 o'clock नाउ. तो ये जो है इट इज वेरी लेट नाउ. 10th, डैश विल बी नो ट्रेन टिल टुमोरो मॉर्निंग.
तो कल सुबह तक कोई भी ट्रेन नहीं है, तो देयर विल बी नो ट्रेन टिल टुमारो मॉर्निंग। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, उसमें हमको थोड़ा तो आप इट कहाँ लिखोगे वो आपको पता चल जाएगा। तो इट वहाँ होगा जहाँ पे टाइम के बारे में बात की होगी, डे के बारे में, या तो फिर वेदर के बारे में, उधर हम लिखेंगे इट। फिर देयर जहाँ पे आर और वर होगा उस ब्लैंक में भी हम क्या लिखेंगे, देयर। और कुछ ब्लैंक आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी कि जैसे कि इस ब्लैंक में देयर विल बी अ साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन हमारे स्कूल में रखा था, आपको याद है? वैसे there will be a science exhibition in our school next week। तो कुछ blank ऐसी होगी जो आपको याद रखनी है। okay, thank you students।